हाईवे के ढाबे पर बंदी को पुलिस कर्मियों को मौज कराना महंगा पड़ गया है। सीतापुर एसपी की जांच रिपोर्ट पर लखनऊ पुलिस ने 5 पुलिस कर्मियों पर निलंबन की गाज गिराई है। आपको बता दें कि 29 अगस्त को सीतापुर के महोली कोतवाली इलाके के सिंह ढाबे पर अभिरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों ने एक बंदी को हथकड़ी खोलकर ना कि खाना खिलाया बल्कि फोन पर बात भी कराई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। सीतापुर एसपी गुलिस्तुशील चंद्रभान ने जब जांच कराई तो पता चला कि मुरादाबाद के भोजपुरी थाना इलाके में हत्या के आरोप में बब्बू लखनऊ जेल में बंद है। 30 अगस्त को पेशी के लिए लखनऊ पुलिस लाइन से मुरादाबाद के लिए पुलिस अभिरक्षा में ले जाया जा रहा था। राजधानी लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर सीतापुर के महोली कोतवाली इलाके में सिंह ढाबा पर लखनऊ पुलिस लाइन में तैनात एसआई संजय यादव, सिपाही राम किशोर, आशीष, मनोज कुमार और चालक जयप्रकाश सिंह ने बंदी बब्बू को मौज मस्ती कराई। एसपी गुलेश सुशील चंद्रभान ने जांच कर रिपोर्ट लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस को भेजी, जिसके बाद एसपी पुलिस लाइन पंकज श्रीवास्तव ने भी जांच की और दोषी पाए जाने पर 5 पुलिस कर्मियों पर निलंबन की गाज गिराई गई। डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक ने इस कार्रवाई की पुष्टि की। बंदी और कैदी को पुलिस अभिरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों का मौज कराने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 23 अगस्त 2022 को लखनऊ पुलिस की अभिरक्षा में शाहजहांपुर स्थित एक ढाबे से बाथरूम जाने का बहाना करके शातिर अपराधी आदित्य राणा फरार हो गया था। 13 जुलाई 2022 को केजीएमयू में भर्ती रायबरेली से गिरफ्तार शातिर अपराधी इंजमान और इरफान भाग निकले, हालांकि बाद में गिरफ्तार हुए। 26 नवंबर 2020 को लखनऊ मलिहाबाद से शातिर अपराधी नन्हा पुलिस अभिरक्षा से भाग निकला। 4 जून 2020 को लखनऊ के नाका थाना से गिरफ्तार हथियार सप्लायर संजू सिंह पुलिस को धक्का देकर भाग निकला। 13 जनवरी 2020 को लखनऊ पेशी जाने के दौरान बंदी एहसान गाजी भाग निकला था, बावजूद इसके पुलिसकर्मी कोई सबक लेने को तैयार नहीं हो रहे। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।